हमारे साथ बातचीत करने के लिए शीतल देवी जी हैं, जिन्होंने तीरंदाजी में मिक्स्ड ओपन कंपाउंड में राकेश कुमार के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। शीतल जी, कैसा रहा आपका जर्नी? मेरी जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है, और पहला ओलंपिक था मेरा, और उसमें हमने मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बहुत खुशी की बात है ये कि मेरा पहला ही था और पहले में ही मैंने मेडल जीता अपने देश के लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ। पहली बार आप मेडल जीत के आई हैं, तो कैसा आपका स्वागत रहा? लोग जब मिलने आते हैं तो कैसा अनुभव है आपका मेडल जीतने के बाद? ये मतलब जब एशियन गेम्स में मेडल जीता था तब भी मैंने अच्छा लगा था, और आज भी मतलब कि मेडल जीता हमने पैरालंपिक्स में, और तभी भी मुझे बहुत खुशी और बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ था जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा आपने अपनी डिसेबिलिटी को छोड़कर एबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा, लेकिन जब शुरुआत में आप आना चाहिए होंगी पब्लिक प्लेस में, तो उस समय का अनुभव और अभी के अनुभव में आप क्या पाती हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूँगी मैं, और ये माता रानी के आशीर्वाद से ही हुआ। और सरकार की सपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलती है? देखो, सरकार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सबका, मतलब कि सभी एथलीट को बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। तभी हमारे देश में 29 मेडल आए हैं, शायद इसकी वजह से, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सबके लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपनी सरकार को भी कि अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे ये जो भी हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा स्पॉन्सर, मतलब कि अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दे रहे। तीरंदाजी में फोकस की आवश्यकता होती है स्पेशल अटेंशन की, तो उसके लिए आप क्या करती हैं? ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस अपना फोकस अपने गेम पे ही रख रहे हैं, तो हमेशा अपने टारगेट पे ही मेरा फोकस रहता है। धन्यवाद, हमसे बात करते हैं।